पता चला कोई 10,000 की ट्रेड कर रहा है, 500 रुपये काट लिए भाई इन्होंने एक ट्रेड पे उसके ट्रांजेक्शन के। मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था, मतलब कोई तुक ही नहीं बनता। जहां तुम बैलेंस वैलेंस पे करोगे 10-20 रुपये में काम हो जाता तुम्हारा। सो आज स्पेशली हम इस बारे में बात करेंगे कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि इस वाले बजट सेशन में हमारा टैक्स कम हो सकता है, TDS कम हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी लीगल हो सकती है, उसके बड़े स्ट्रॉन्ग रीजंस जो हैं जो मेरे को लगते हैं आज हम वो शेयर करेंगे। उसके बाद में हम इस बारे में बात करेंगे कि बहुत सारे लोग हैं वो उन्हें लगता है कि जो बैलेंस है वो हमारे इंडियन जो एक्सचेंजेस हैं उसकी वजह से बंद हुआ है, क्या सच में ऐसा है या नहीं है, और बैलेंस के आने के क्या चांसेस हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे भाई कि कौन सी कॉइन है जो बहुत देर लग जाती है एक बार इंडियन एक्सचेंजेस पे लिस्ट नहीं होते, उसका रीज़न क्या है और किस तरीके से हम वो काम कर सकते हैं। उसके लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी जो बात है मैं करना चाहता हूँ वो हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि मेरे को नहीं लगता हर बंदा वो सुनना चाहता है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग हैं वो जिन्हें काम की बात सुननी है। लास्ट में जो मैं बात करूँगा वो है बड़े काम की, लेकिन वो मेरे को उन लोगों के लिए है सिर्फ जो इस मार्केट में बहुत लंबा टिकना चाहते हैं। सो एक लॉजिक से स्टार्ट करते हैं कि इंडिया के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो लगभग 11.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें से हम जानते हैं कि 125 करोड़ के समथिंग कोई डेटा था जो हमारा बाइनेंस का था, और बाकी का जो है मान लो आप 0.5 करोड़ के समथिंग और बाकी जो फॉरेन एक्सचेंजेस थी उस पर था, और फिलहाल जो 9.5 करोड़ के लगभग जो लोग हैं वो हमारे इंडियन एक्सचेंज पे हैं। फिलहाल तो हम कहेंगे ज़्यादा हैं क्योंकि जो बाइनेंस वाले वो भी शिफ्ट हो गए, बाकी जो थे वो भी शिफ्ट हो गए। तो लगभग 10 करोड़ 10.5 करोड़ जो लोग हैं वो हमारे अभी इंडियन एक्सचेंजेस पे हैं। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये 10.5 करोड़ सिर्फ लोग नहीं हैं, ये 10.5 करोड़ वोट हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम ये समझाया था कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर 92% जो लोग हैं वो 25 से 35 के बीच के हैं खाली। 92-95% जो लोग हैं वो सिर्फ 25 से 35 के बीच के हैं, और यही एक एज है जो सबसे ज़्यादा वोट डालती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जितने भी 10 करोड़ लोग हैं इनका पूरी तरह से जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में है, एक्सचेंजेस के हाथ में, जो अभी इंडियन एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। अगर कल को एक इंडियन एक्सचेंज इनको ये बोलती है कि भाई हम ये कर देंगे आपके लिए अगर आप इसको वोट डालते हो, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, बिल्कुल भी हो ना हो आई डोंट केयर, पर मैं ये बस इतना कह रहा हूँ कि अगर हमें कोई एक्सचेंज ये बोलती है कि भाई कल को हमें TDS में ये मिल सकता है या फिर टैक्सेशन में थोड़ा सा रिलैक्स मिल सकता है अगर हम इस सरकार को वोट डाल देते हैं, ये बस एक अजम्पशन है, तो मेरे को लगता है कि ऐसा होगा, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि पता आपको अभी अगर एक साल पहले की मैं बात करूं तो एक साल पहले तक हमारी एक्सचेंजेस की कोई सुनने वाला नहीं था। क्रिप्टो करेंसी का कोई भी ऐसा फेस जिसे लोग जानते हैं, जो हम जिनकी बड़ी इज्जत करते हैं या फिर ऐसे लोग जो एक्सचेंजेस ओन करते हैं, इनकी कोई सुनने वाला नहीं था सरकार में। लेकिन अभी कुछ टाइम से आप देखोगे कि FIU जो है, जो हमारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, उसके साथ में एक अलग से ऐसी बेंच बनाई गई है जहाँ पे इन्हें बोलने का मौका दिया जाता है, जो बहुत बड़ी बात है। मेरे को ये लगता है कि जब क्रिप्टो करेंसी की बात हो, जब भाई तुम्हारे ये बजट सेशन जब होता है पार्लियामेंट में, तो जब क्रिप्टो करेंसी की बात हो तो एटलीस्ट वहाँ एक ऐसा बंदा हो जिसको क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज हो, जिससे कम से कम वो उसको सही तरीके से प्रेजेंट कर पाए कि ये फ्यूचर हो सकता है। भाई वो क्या करेंगे, जिसको नॉलेज नहीं है वो सिर्फ नेगेटिविटी की बात करेगा, जिस क्योंकि उसने बस उतना ही सुना है, उसको कुछ पता नहीं है उसके बारे में। तो अगर उस टाइम पे कुछ ऐसे लोग वहाँ पे हैं जो उसे बैक कर सकते हैं, जो बता सकते हैं कि सर ऐसा नहीं है, ये ऐसे काम करती है, ये ऐसे काम करती है, ये फ़ायदे हमारे हो सकते हैं, ये फ्यूचर हमें दे सकती है, इस तरीके की ये टेक्नोलॉजी है, हमें किस तरीके से इसका फ़ायदा हो सकता है। तो अभी क्या हुआ है कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं, ये इकोनॉमिक, मैं एक बार ये आर्टिकल खोल के आपको समझाता हूँ। सो ये हमारा द इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है जहाँ पे सारे जितने हमारे एक्सचेंजेस हैं इन्होंने अपनी एक विश लिस्ट बनाई है। सो बेसिकली अभी इसे विश लिस्ट बोला जा रहा है, और क्योंकि विश लिस्ट है तो ये सारी विश लिस्ट हमारी पहुँचने वाली है बजट सेशन में। अब क्योंकि ये बजट सेशन में पहुँचेगी और साथ ही इन्हें वहाँ पर बैठने का मौका भी मिलेगा, तो एक बहुत बड़ा जो अंतर है वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये राजगोपाल मेनन है, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं वजीरेक्स के, इन्होंने बोला है कि भैया जो 1% तुम्हारा TDS है तुम इसको 0.01 कर दो क्योंकि इससे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा सुमित गुप्ता हैं, को फाउंडर हैं CoinDCX के, इन्होंने भी सेम बोला है। इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो 30% टैक्स है ये बहुत ज़्यादा है, इसको भी थोड़ा सा कम किया जाए। फिर इदुल पटेल हैं, ये मुद्रेक्स जो मैं आपको लास्ट टाइम भी बता रहा था, सो इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा मैंने इसकी स्टडी करी तो मुझे इसका जो गुड पार्ट लगा वो ये था कि बैलेंस से जो लोग भी अपनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो भी करेंसी क्रिप्टो करेंसी जो भी अपनी वहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस पर ये लोग फीस नहीं ले रहे थे, एंड इट्स अ वेरी गुड पार्ट, ठीक है। अब
उसका ये भी हो सकता है कि भाई ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा बढ़े, तो इन्होंने शायद इसलिए भी कराओ, तो वो अपने रीज़न है, लेकिन मेरे को ठीक लगा कि मैंने कहा चलो कोई तो ऐसा है जो थोड़ा सा कॉर्पोरेट कर रहा है नए लोगों के साथ में। तो इन्होंने भी बोला कि भाई 1% TD ऐसा है, इसको तुम कम करो, इससे बहुत दिक्कतें आ रही हैं। उसके बाद दासी सिंगल हैं, ये को फाउंडर CEO हैं पीपल के। उसके बाद में राहुल प्रगतिपति हैं, ये CEO हैं जेब्बे के। और इसके अलावा तुम्हारे बहुत सारे और भी लोग हैं, आप देखोगे यहाँ एक बड़ी लंबी लिस्ट है। शिवम ठकराल हैं, निश्चल सेठी हैं, ठीक है, ये को फाउंडर हैं सरदियों के। तो बहुत सारे ऐसे ये लोग हैं जिन्होंने अपनी एक विश लिस्ट बनाई है। आप कह सकते हो कि ये आवाज़ जो है ये गवर्नमेंट तक पहुँचेगी, ये पूरी लिस्ट जो है ये गवर्नमेंट तक पहुँचेगी, और उन्हें ये बोला जाएगा कि भाई इस पे आप नज़र डालो। और ये मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि जब ये बजट सेशन होगा, जब इन लोगों को वहाँ बैठने का मौका मिलेगा, तो इस बार ये बड़े अच्छे से समझा पाएंगे कि इन चीज़ों का फ़ायदा क्या है। और जब वो चीज़ होगी तो ये गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई इन लोगों की हमें सुननी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो 10.5-11 करोड़ लोगों को, मतलब ये उनका फेस, 10.5-11 करोड़ लोगों का ये फेस हैं एक तरीके से, ये उन लोगों के आगे खड़े हुए हैं कि अगर हम इनकी सुनेंगे तो वो सारे जो लोग हैं वो हमारे साथ रहेंगे। तो मेरे को लगता है एक तो ये बड़ी चीज़ है। इसके अलावा मुझे बड़े सारे लोगों ने बोला है कि इंडियन एक्सचेंज जो हैं उनकी वजह से बाइनेंस यहाँ से बैन हुआ है, जो फॉरेन एक्सचेंजेस है बैन हुआ है। देखो यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो शायद आप लोग सही हो, क्योंकि मैं इतना तो जानता नहीं हूँ, मेरी तो किसी से डायरेक्टली बात नहीं है, ठीक है। सेकेंड जो मेरे को लगता है वो ये है कि अगर FIU ने कुछ पैरामीटर्स उन्होंने बोले कि भाई ये नॉर्म्स हैं, इसके अकॉर्डिंग तुमको ये जो गाइडलाइंस हैं ये फॉलो करनी है, ये कंप्लेंसेस तुम्हें फुलफिल करने हैं, अगर तुम ये कर दोगे तो तुम यहाँ करा सकते हो। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स थे, क्योंकि ऐसे भी तो बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने फुलफिल वो किए हैं। सारी फॉरेन एक्सचेंजेस थोड़ी गई हैं, अभी भी तो हैं, सिर्फ 8-9 ही क्यों गई हैं कि इनसे ही वो फुलफिल नहीं हुआ। तो मेरे को जो लगता है वो स्ट्रांग रीज़न ये नहीं था, स्ट्रॉन्ग रीज़न ये था कि शायद वो उसके लिए रेडी नहीं थे, या उनके अपने कुछ ऐसे पर्टिकुलर रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से वो चीज़ नहीं हो पाई। अब उसके बाद कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि यार क्या बाइनेंस वापस आ सकता है। देखो मेरे को बड़ा स्ट्रांगली ये लगता है, मेरे को लगता है क्योंकि एक बड़ा बेस है, 1.5 करोड़ लोगों का बेस है उसका, बाइनेंस पे जो भरोसा है लोगों का, मतलब जो मैं वीडियो में कॉमेंट्स देखता हूँ, मैं बाकी की जो वीडियोज़ देखता हूँ, मेरे को लगता है बाइनेंस पे जो भरोसा है ना लोगों का, वो शायद किसी भी एक्सचेंज पे नहीं है। मतलब वो बाइनेंस को ऐसे वॉलेट की तरह ट्रीट करते हैं, बड़ा भरोसा करते हैं, बड़ा अच्छा बजट अपना जो उनके फंड्स हैं वो बैलेंस पे उसको रख लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। तो मेरे को बड़ा स्ट्रांगली लगता है कि ऐसा हो सकता है कि कल को आ जाए। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप 100% ये कंसिडर करके चलें, जिनके फंड हैं अगर निकालने का कोई रास्ता है तो एटलीस्ट तब तक के लिए आप उन्हें निकाल के रख लें जब तक कि कोई कन्फर्मेशन नहीं आ जाती है। और होपफुली जल्दी कुछ ना कुछ तो हमें बाइनेंस की तरफ से रेस्पॉन्ड देखने मिलेगा ही, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनका फंड स्टक है, वहाँ से नहीं निकल पाया है। अगला जो क्वेश्चन था वो ये था कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि अरे इंडियन एक्सचेंजेस हैं क्या ये बेकार हैं, सारे देखो इतने सारे कॉइन्स आते हैं नए नए, ये तब लिस्ट करते हैं जब उनका प्राइस ऑलरेडी हाइक हो जाता है। देखो मैं किसी एक्सचेंज के फेवर में नहीं हूँ और मैं ये जानता हूँ, मेरे को खुद ऐसी बड़ी सारी शिकायतें हैं एक्सचेंजेस को लेके। जैसे पहली अगर मैं बात करूँ तो ये इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन फीस लेते हैं कि बेचारे कुछ लोग जो कम फंड्स के साथ में आ रहे हैं, पता चला कोई 10,000 की ट्रेड कर रहा है, 500 रुपये काट लिया भाई इन्होंने एक ट्रेड पर उसके ट्रांजेक्शन के। मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था, मतलब कोई तुक ही नहीं बनता, जहाँ तुम बैलेंस वैलेंस पे करोगे 10-20 रुपये में काम हो जाता तुम्हारा। तो इतना ज़्यादा फीस, मतलब मेरे को नहीं लगता कि इस चीज़ का कोई लॉजिक है, इनका अपना कोई रीज़न होगा, आई डोंट केयर। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं इनके पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट हाँ ये जो एक चीज़ थी कि यार इतने सारे कॉइन्स आ जाते हैं लेकिन ये लिस्ट नहीं करते, ये बहुत टाइम ले जाते हैं लिस्ट करने में उस चीज़ को, तो उसका एक जो रीज़न मेरे को समझ में आता है जो लॉजिकल रीज़न है वो ये है कि देखो ये हर कोई कॉइन को नहीं कर सकते अपनी एक्सचेंज पे आते ही लिस्ट। उसका रीज़न ये है कि देखो यहाँ पे एक तो रेगुलेटरी नहीं है हमारे यहाँ पे कि भाई ऐसा हो कि लीगल है ना। अब आप मानो कि हम सब ये जानते हैं कि 80% जो कॉइन्स बनते हैं ना वो कुछ टाइम के बाद में गायब हो जाते हैं, तो हर एक नया लॉन्च कॉइन जो है जब तक ये उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री नहीं देख लेते, जब तक उसके बारे में इनको पूरी जानकारी नहीं आ जाती, तब तक ये उसे लिस्ट नहीं करते, क्योंकि इनको भी पता है कि कल को इन्होंने लिस्ट कर दिया, मानो आज कोई नया कॉइन आया जहां आपको ये पता है कि ये 10,000 गुना बढ़ सकता है अगले 8 दिन में, इन्होंने उसको लिस्ट कर दिया, आपने अपना पैसा लगा दिया, ठीक है 2-4 लोगों को उससे फ़ायदा हुआ, बाकी के कुछ और लोग थे जो और एक हाइक का वेट कर रहे थे, फिर वो कॉइन गायब हो गया, एक्सचेंज तो कुछ नहीं कर सकती, बट आप पूरी तरह से एक्सचेंज को ब्लेम कर दो कि भैया एक्सचेंज ये थी, इनका ये कॉइन था, इनकी वजह से हमारे साथ में ये हुआ है। तो मेरे को जो एक बड़ा स्ट्रांग रीज़न लगता है वो ये है कि जब तक रेगुलेटरी नहीं बनती तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि जानते हैं
केकॉइन के बारे में नहीं है, ये पूरे एक प्लेटफॉर्म के बारे में है, पूरा एक प्लेटफॉर्म वहाँ पे बर्बाद हो सकता है। अच्छा, अब लास्ट जो बात है वो ये जो मैं कह रहा था कि मेरे को बात करनी है। देखो, अब ये उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जो मार्केट में 10-5 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये लेके आए हैं और मार्केट में सिर्फ मज़ा लेने आए हैं। जिनको ये कि भाई आज लगा दो, 1000 गुना 500 गुना 100 गुना हो गया तो ठीक है, और नहीं तो अपन को कोई लोड भी नहीं है, अपन मार्केट से भाग जाएंगे। ये उनके लिए है जो मार्केट में लंबे टाइम तक रुकना चाहते हैं, जो मार्केट को समझना चाहते हैं और एक्चुअल में यहाँ से पैसा बनाना चाहते हैं। मतलब जिन्होंने ये केसेस पढ़े हैं कि भाई इसने इतना पैसा बनाया, इसने इतना पैसा बनाया, मैं आपको बता दूँ ये वो वन नाइट विक्ट्री वाला इसमें कोई सीन नहीं है। कल मैंने एक वीडियो डाला था, वीडियो थोड़ा सा बड़ा था, ऑलमोस्ट 14 मिनट का वीडियो है, और मैंने उसके अंदर बड़े काम की चीज़ें बताई हैं। उसके अलावा एक सर हैं बिटेनिंग करके, उनका चैनल है, मैं वो मेंशन करूंगा, डैम जीनियस गाय। मतलब मैंने उनके कॉन्सेप्ट देखे, बड़े प्यार से समझाते हैं और इतने क्लियर कॉन्सेप्ट्स, और वो हर चीज़ को ना बिल्कुल डेप्थ में बताते हैं। मैंने उनके व्यूज़ देखे, उनके व्यूज़ कुछ खास नहीं आते, कुछ खास उनके सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, जबकि वो बंदा मेरे को लगता है कि मैंने जितने चैनल्स देखे हैं इंडिया में, जितने चैनल्स देखे हैं, वन ऑफ द नॉलेजेबल बंदा जो मेरे को लगा वो है। बड़े ही प्यार से समझाते हैं। तो मेरा क्या है कि देखो, अगर तुम सच में ये चाहते हो कि तुम्हारी नॉलेज थोड़ी सी गेन हो, तुम समझ पाओ कि इस मार्केट में सर्वाइव कैसे करना है, तो तुमको ये हाइपअप वाले चैनल देखना छोड़ना पड़ेगा जो 3 मिनट 5 मिनट की वीडियो बनाते हैं और जिनके जो ऐसे आपको 10x 100x और 2000x वाले कॉइन बताएंगे और ये बताएंगे कि आज हम आपको पैसे वाला कर देंगे, फिर अगले दिन आएगा कि आज तुम बर्बाद होने वाले हो। देखो, मैं मानता हूँ कि ये जो चैनल्स हैं ना, इनके थंबनेल से ही आपका डोपामाइन बहुत हाई हो जाता है, आपको लगता है कि नहीं है मज़ा आ जाएगा आज, तो ये नहीं करना। अगर आपको सर्वाइव करना है तो प्लीज़ आप इस तरीके के जो चैनल्स हैं ना उन्हें छोड़ दो। पहले भी बोला है, ये आपके सेंटीमेंट्स को ख़राब कर देंगे भाई। मार्केट को लेके जो आपके इमोशंस बनते हैं ना, जो आप एक स्ट्रेटजी तैयार करते हो ना, वो बहुत डाइसी हो जाएगी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, आप थोड़े से डर जाओगे, थोड़ी सी बात से आप जोश में आ जाओगे, वो नहीं करना। अगर आपको नॉलेज लेनी है तो 3 मिनट की वीडियो से आपको नॉलेज नहीं मिल सकती। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग बने ना कि इसको नॉलेज हो यार चीज़ों के बारे में, इनको पता हो। एक एक बच्चा जो हमारा नया आ रहा है ना मार्केट के अंदर, इसको हर चीज़ पता हो, इसको ये पता हो कि बिटकॉइन क्या है, किस तरीके से काम करता है, बैक एंड क्या है इसका, इन्हें वो एक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि कल को अगर ये लीगल होती हैं चीज़ें, रेगुलेट होती हैं चीज़ें, तो इनका पैसा मार्केट में डूबे ना, बल्कि पैसा बना पाए, इनको भी ये लगे कि हाँ यार हमने मार्केट समझ लिया है। अगर तुम ये चाहते हो कि ये क्रिप्टो करेंसी की मार्केट भी शेयर मार्केट की तरह बने, तो हमें इनको एक्चुअल नॉलेज देनी पड़ेगी, हमें इसको इनको वो चीज़ें सिखानी पड़ेंगी जो बहुत ज़रूरी हैं। सो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप और फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर दें वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, वीडियो लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट कर दें, मैं सारी कॉमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।